आयुष्मान एनएल मेश्राम जी उमरी से आपसे निवेदन है कि आप कार्यक्रम की पीठिका का वाचन करने का कष्ट करें। मेश्राम साहब, विगत 14 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ होकर आज सातवां वर्ष धम्म चक्र परिवर्तन दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री सम्मेलन इस स्थान पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में यहाँ पर प्रवीण भीगड़े का आगमन हुआ। द्वितीय वर्ष में पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससई का आगमन हुआ। तृतीय वर्ष में पूज्य भदंत सत्यशील भंते जी का आगमन हुआ। चौथे वर्ष में भदंत ज्ञान ज्योति का आगमन हुआ। पांचवें वर्ष में श्रीलंका से भारत में दर्शनार्थ लाई गई तथागत गौतम बुद्ध की अस्थि कलश का आगमन हुआ। इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में उपासक उपासिकाओं के द्वारा अस्थि कलश के दर्शन कर धम्म लाभ लिया गया। यह तारीख 17 अक्टूबर की थी। इसी कारण तब से प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर 2016 को ही 17 को ही यह कार्यक्रम मनाया जाता है। पिछले वर्ष 17 अक्टूबर 2016 को भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय रामदास जी आठवले का आगमन हुआ। इस यहाँ पर भी माननीय महोदय ने ये घोषणा की थी कि ये भारतवर्ष में द्वितीय दीक्षा भूमि हुई है और उन्होंने प्रयास भी किया। यहाँ के आवेदन को उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक प्रेषित किया, उनसे चर्चा भी किया। किन कारणों से वो कार्य अभी तक रुका हुआ है ये अभी अज्ञात है। इसी प्रकार इस वर्ष यहाँ पर धम्म चक्र परिवर्तन दिवस का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और देश विदेश के बौद्ध धम्म गुरुओं एवं वक्ताओं का आगमन होता है। इस कार्यक्रम में निशुल्क चिकित्सा शिविर, पुस्तक मेला एवं भव्य भोजन दान का आयोजन किया जाता है। निशुल्क चिकित्सा शिविर में विभिन्न प्रकार के लोगों का उपचार कर निःशुल्क औषधियों का वितरण किया जाता है और धम्म प्रेमियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जाता है। यहाँ पर धम्म गुरुओं के द्वारा जो धम्म देशना दी जाती है उससे उपासक उपासिकाओं के जीवन शैली में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ऐसा व्यवहार में देखने में आया है। इस प्रकार इस कार्यक्रम को आयोजित करने से धम्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता मिलती जा रही है और यह सफलता आप धम्म गुरुओं के आशीर्वाद से ही संभव है। अतः इस कार्यक्रम को धम्म गुरुओं को उपासक उपासिकाओं को का आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान होता रहे, इसी अपेक्षा के साथ आप सबको सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आयुष्मान विजय गढ़पाल सर उमरी, प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी ग्राम उमरी के बुद्ध विहार में, बुद्ध भूमि में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप सभी को मालूम है कि यह कार्यक्रम
एक सार्वजनिक रूप से एक समिति के द्वारा मनाया जाता है, सामाजिक एवं ग्रामीण उद्यमिता विकास समिति के बैनर तले प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें संपूर्ण बालाघाट जिले के, छिंदवाड़ा जिले के, मंडला जिले के और पड़ोसी प्रदेशों के जिलों के उपासक और उपासिकाओं की तन मन और धन से सहभागिता रहती है। इस कार्यक्रम को बल देने में, शक्ति देने में और सुचारू रूप से संपन्न कराने में हमारे ग्राम उमरी के आयुष्मान नथुलाल जी मेश्राम आपका उत्कृष्ट योगदान रहता है। आप तन मन और धन से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में संपूर्ण सहयोग देते हैं। ये जो ग्राम उमरी है, ये हमारा छोटा सा ग्राम है। यहाँ पर बुद्ध और बाबा साहेब के मानने वाले अनुयायी हैं। इस छोटे से ग्राम में पहले बहुत गरीबी थी, सभी को मालूम है। हम लोगों का काम बीड़ी बनाना हुआ करता था और इसके अतिरिक्त रोजगार का आर्थिक कोई साधन नहीं था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे नथुलाल जी मेश्राम, आप भारतीय सेना में एक क्लर्क के पद पर नियुक्त हुए। आपने बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण किया। आपकी पत्नी दिवंगत रत्नमाला जी मेश्राम बहुत ही मृदु भाषी, सरल स्वभाव की और धम्म उनके रगों में कूट कूट कर भरा हुआ था। शायद वो एनएल मेश्राम जी से भी धम्म के बारे में आगे थी। उसी का परिणाम है कि आज हमारा ग्राम उमरी इतना धम्म के मामले में आगे बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहा है। दिवंगत रत्नमाला जी मेश्राम, आपके द्वारा गांव की महिलाओं को एकत्रित किया गया, गांव में बुद्ध विहार का निर्माण किया गया और आसपास के पड़ोसी ग्राम जो हैं वहां पर भी उस समय में जो बन सकता था उन्होंने किया। सेवानिवृत्त होने के बाद एनएल मेश्राम जी, आपके सामने बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। बहुत कम आपको पेंशन के रूप में मासिक वेतन मिलता था, शायद 600 रुपए मासिक वेतन मिलता था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सन 1989 में आपकी पत्नी का देहांत हो गया। आपके बच्चे छोटे छोटे थे, बड़ी बच्ची जो है शायद छठवीं या सातवीं में थी। मुझे याद है उन विपरीत परिस्थितियों में ये धम्म के मार्ग पर चलने से क्या लाभ होता है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। मेश्राम जी का जो पूरा परिवार है और हम जो रत्नमाला माई मेश्राम थी, उनमें जो धम्म कूट कूट करके भरा हुआ था और धम्म के अनुसार जब जो आचरण करते हैं या कोई भी परिवार उसका आचरण करता है तो उसका किस तरीके से लाभ होता है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। भाई प्रशांत मेश्राम, उनका बेटा, इन्होंने भी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी की है। यहाँ के ग्राम उमरी के लोग जानते हैं, आसपास के सारे रिश्तेदारी कुटुंब परिवार सभी जानता है। और गरीबी क्या होती है, परेशानी क्या होती है, दिन रात में कैसी मेहनत करना पड़ता है, ये सब उन्होंने जिंदगी को जिया है और बहुत करीब से प्रशांत मेश्राम ने देखा है। इस बात को हम सभी जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों से उभरने के बाद आज प्रशांत मेश्राम अपने उद्यमी के रूप में किन ऊंचाइयों को छू रहा है, ये हम सभी से छुपा हुआ नहीं है। वो एक सूर्य की तरह हमको दिखाई दे रहा है। तो हम सभी उपासक उपासिकाओं के लिए ये एक सीख है, एक अनुकरणीय कार्य है, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। पूज्य भदंत नागकोश महास्थवीर नागपुर से।
धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को 61 वर्ष पूर्ण हो रहे और 61 वर्ष पूर्व महाबोधि सत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें धम्म देकर हमें जागृत किया है। इसके पूर्व 61 साल के पूर्व उसके भी पूर्व हमारे माता पिता हमारे दादा दादी पूरा ये समाज सोया हुआ था। उस सोए हुए समाज को बाबा साहब ने जागृत किया, उसको 61 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ये समाज सचमुच में सोया हुआ था और नींद में होने के कारण इन पर बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहे थे और नींद में सभी अन्याय अत्याचारों को ये बर्दाश्त कर रहे थे, सहन कर रहे थे। बाबा साहब ने जब देखा ये इस प्रकार ये समाज अन्याय अत्याचारों को बर्दाश्त क्यों कर रहा है, इस प्रकार विचार उठे। जब उन्होंने देखा, निरीक्षण किया तो उनको पता चला अरे ये समाज सोया हुआ है, ये सोच सोया हुआ है इसलिए सब बर्दाश्त कर रहा है और मैं इन्हें जागृत करूंगा। जब तक ये सोया रहेगा अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करेगा, इनको जागृत करना पड़ेगा ताकि अन्याय अत्याचारों का प्रतिकार कर सके। और इसलिए बाबा साहब जीवन भर जागते रहे हमको और आपको जागृत करने के लिए, सचेत करने के लिए। एक प्रसंग है, जिस समय इस देश में आजादी का संग्राम चल रहा था उस समय इस भारत के आसमान पर 3 सितारे चमक रहे थे। कौन कौन से सितारे थे वो? एक सितारा था जिसका नाम था महात्मा गांधी, दूसरे का नाम था मोहम्मद अली जीना और तीसरा सितारा था महाबोधि सत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। इनका प्रकाश, तीनों का प्रकाश सारे विश्व में फैला हुआ था। दूर दूर के लोग, विदेश के लोग भी इनको जानते थे और इनका परिचय प्राप्त करने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए देश विदेश के पत्रकार भारत आते थे, इनसे मिलते थे। तो एक बार अमेरिका से 2 पत्रकार आए और सबसे पहले महात्मा गांधी से मिले। उन्होंने कहा, गांधी जी आपका साक्षात्कार चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, आपसे कुछ प्रश्न है। गांधी जी ने कहा, भाइयों दिन में समय नहीं मेरे पास, आप रात में आइए। तो बोले कितने बजे आए? तो बोले रात को 11 बजे तक आ जाइए। 11 बजे का समय दिया गांधी जी ने, दोनों पत्रकार चले गए। उसके बाद ये दोनों पत्रकार मोहम्मद अली जिन्ना के पास पहुंचे। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि दिन में समय नहीं है, आप रात में आइए। तो साहब कितने समय आए? बोले 12 बजे आइए। दोनों पत्रकार चले गए। उसके बाद ये दोनों पत्रकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पास गए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा कि भाइयों दिन में समय नहीं है, आप रात में आइए। पत्रकार ने पूछा, साहब कितने बजे आए? बोले कितने बजे भी आओ, रात में आओ, कभी भी आओ। दोनों पत्रकार चले गए। शाम हुई, रात के 11 बजे दोनों पत्रकार गांधी जी के दरवाजे पर गए तो गांधी जी का चौकीदार कहता है कि गांधी साहब सो रहे हैं,
आप कल आइए, उसके बाद ठीक 12 बजे जीना जी के दरवाजे पर गए तो जीना जी का अर्दली कहता है कि साहब सो रहे आराम फरमा रहे, आप कल आइए। वहां से भी दोनों पत्रा चले गए। ऐसे करते करते रात के 2 बज गए। अभी दोनों पत्रकार सोच रहे अब क्या किया जाए, तो एक पत्रकार कहता है चलो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुलाए है, तो दूसरा कहता है अभी रात के 2 बजे, ये तो 11 बजे वाले और 12 बजे वाले सो रहे तो रात के 2 बजे कोई सोया जागता रहेगा क्या। दूसरा पत्रकार कहता है उन्होंने कहा कि रात में आओ कभी भी आओ, अगर सो रहे होंगे तो वापस आ जाएंगे, चल के देखते हैं। दोनों पत्रकार बाबा साहब के दरवाजे पर गए, तब देखा अंदर लाइट जल रही है। इन्होंने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन, बोले साहब हम पत्रकार है, तो बोले अंदर आ जाइए दरवाजा खुला है। दोनों पत्रकार अंदर प्रवेश किया, बाबा साहब ने दोनों को बैठने के लिए चेयर दी। बैठने के बाद पूछा कि बोलो क्या पूछना चाहते हो। पत्रकार बोले साहब पूछना तो बहुत कुछ था लेकिन अभी नया प्रश्न हमारे मन में उपस्थित हुआ है, उसका पहले जवाब दीजिए। बोले क्या प्रश्न है। प्रश्न यह साहब कि गांधी जी ने 11 बजे हमको बुलाया था, 11 बजे पहुंचे तो वो सो रहे। मोहम्मद अली जिन्ना में 12 बजे बुलाया, 12 बजे उनके दरवाजे पहुंचे तो भी आराम फरमा रहे, लेकिन क्या बात है कि रात के 2 बजे तक आप जाग रहे हैं। बाबा साहब ने क्या उत्तर दिया जानते हैं आप। बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी का समाज जागृत है इसलिए गांधी जी सो रहे हैं, और जिन्ना का समाज भी जाग रहा है इसलिए जिन्ना साहब सो रहे हैं, लेकिन मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं, और मैं तब तक जागूंगा जब तक मेरा समाज जागृत न हो जाए। बाबा साहब का ये उत्तर सुनकर दोनों पत्रकार चकित हुए और यही बात लेकर वो गए, उन्होंने प्रकाशित की। उन्होंने कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब ने सारी रात और दिन जाग जाग बिताई, इसलिए हमको और आपको जागृत करने के लिए। आपने देखा सुना होगा कि बाबा साहब सतत जागृत रहे, जागते रहे, किस लिए, इस समाज को जागृत करने के लिए, और इसके लिए कितनी मुसीबतें उनको उठानी पड़ी। और अंततः उन्होंने आज से 61 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म की दीक्षा देके हिंदू धर्म के गुलामी से मुक्त करके आपको जागृत कर दिया। आप जागे 61 साल पहले, उसके पहले सब सोए थे, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा खानदान सोया हुआ था। बाबा साहब ने आपको जागृत किया, और जागृत करने के बाद ये भी कहा कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। पूज्य भदंत पटिसेन महाबोधि बुद्ध विहार बुद्ध गया, आपको आमंत्रित करता हूँ। तथागत बुद्ध जो थे मानव का दुख का कारण का खोज किए, दुख है तो दुख का कारण का खोज किए, उसका निवारण का भी खोज किए। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं कि बाबा साहब की वाणी, तो हम लोग के अभी प्रति श्रद्धा नहीं है हमारी समझ में। अगर श्रद्धा होती तो हम लोग दृढ़ संकल्पित होते, लेकिन हम लोग अभी दृढ़ संकल्प सिर्फ कहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कि अगले साल हमने यहाँ देखा कि पूरी भीड़ उमड़ी, ये बौद्ध विहार में उमड़ पड़ी थी, लेकिन आज की परिवेश में यहाँ वैसी भीड़ नहीं है। क्यों? हम लोग कहते हैं कि उन लोगों का दोष है, उन लोगों का दोष जरा भी नहीं है। हमारे बीच जितने राजनेता जो कि पैसे के बल पर बिककर और हम अपने ही लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, कहते हैं सारे लोग
कि बाबा साहब की धम आगे की ओर बढ़े, धम आगे की ओर नहीं बढ़ रही। उन्होंने यह बात कहा कि धम जब आपको आगे बढ़ाना है तो बढ़ाइए, नहीं तो जहां है वहां सुरक्षित छोड़ दिए। लेकिन हम लोग वैसा भी नहीं कर रहे। जैसे एक बौद्ध भिक्खु को राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी देखिए उत्तर प्रदेश की अभी कुछ ही 6-5 महीना पहले इलेक्शन हुआ, भाजपा का प्रचार वहां बौद्धिस्ट किया, ये देखने की बात है, टीवी में देखे होंगे। तथागत बुद्ध और बाबा साहब की कृपा से उस बौद्ध भिक्खु का बस पलट गया, कितने का बांह टूटा, कितने का पैर टूटा। तो क्या उसमें हमारे लोग नहीं थे? तो तथागत बुद्ध और बाबा साहब की बात हम लोग कहाँ समझते? कहते हैं तृष्णा ही दुख का कारण है, और तृष्णा में फिर हम लोग पड़ जाते हैं। तो इससे निवारण हम लोगों की कैसे हो? पूज्य भदंत डॉक्टर जीवक साहब भिलाई से। मैं जब भी देख रहा हूं तो यहां पर 1956 से जब बाबा साहब ने जन्म दिया, तब से मैं ऐसा ही सुनते आ रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया। मैं आज से 3-4 साल पहले नासिक एवले इसी बाजू में था वर्षावास में, तो मैंने नासिक में कहा भी था, एक बार संस्कार चैनल में और एक बार आस्था चैनल में और एक बार लॉर्ड बुद्धा चैनल में भी दिया कि धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन आज से 2600 साल वर्ष पूर्व महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने किया। धम्म के चक्र का, धम्म के चक्र के प्रकाश का प्रवर्तन सम्मा संबुद्ध ही करते हैं, कोई बोधिसत्व नहीं। न सावक बुद्ध करते, न अरहत बुद्ध करते, न बोधिसत्व करते, न पच्चेक बुद्ध। धम्म चक्र का प्रवर्तन सम्मा संबुद्ध ही करते। बाबा साहेब ने धम्म के चक्र का प्रवर्तन नहीं किया। आप पूरा त्रिपिट घुसाइए, आपको कई जगह उल्लेख मिल जाएगा। अनेकों बोधिसत्व हो चुके, अनेकों पच्चेक बुद्ध भी हो चुके, अरहत भी हो चुके, लेकिन किसी के तरफ से उन्हें धर्म के चक्र का प्रवर्तन करते नहीं सुना होगा। बाबा साहेब ने जो भगवान बुद्ध का धम्म, उनके बाद में 500 साल तक चला, जस का तस, ठीक उनके 500 वर्षों के बाद पुष्यमित्र सुंगे के द्वारा राजा भरत वरण को मारकर वह स्वयं राजा बना, और उन्होंने पुराने जो पाली के त्रिपिट थे उनको तो परिनष्ट करा दिया, राजा को मार दिया, भिक्षुओं को मार दिया, त्रिपिट को चला दिया, बहुत दग्रस्तों को भी मार दिया, पूरे जो पुरातन सामग्री थी उसको भी नष्ट कर दिया, और अपनी तरफ से संस्कृत में 5 भिक्षुओं के द्वारा संस्कृत भाषा में त्रिपिटकों का निर्माण कराया, जिसमें इतने बारीकी से उसने, उन विद्वानों ने, 5 भिक्षुओं ने
बौद्ध धर्म में परिवर्तन आ गया और धीरे 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 वो बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया वो परिशुद्धता परिशुद्ध भगवान बुद्ध कहते नहीं देश ही तभी कवे धम्म आदि कल्याणं मध्य कल्याणं परियुषानं कल्याणं केवल परिशुद्धं परिपूर्णं साध्यं स्वयंजनं ब्रह्मचर्य प्रकाशे। तो उस पूरे परिशुद्ध धम्म में मिलावट कर दी और प्रचारित करने की किया हिंदू धर्म से निकला हुआ है। तो इससे विकृत होते हुए बौद्ध धर्म के 18 शाखाएं बन गए और उन 18 शाखाओं में से बाबा साहेब ने जब धम्म दिया उसमें चार बची थी। तो बाबा साहेब ने कोई अपने तरफ से धर्म नहीं दिया है, कोई प्रवर्तन नहीं किया है, बाबा साहेब ने धम्म का अनुवर्तन किया। अनुवर्तन यानी उस बिगड़े हुए जो बिगड़े हुए धर्म को उन्होंने पुनः आपके सामने सही रूप में, उन्होंने जो त्रिपिटकों में विकृति आई थी उसमें बुद्ध और उनका धम्म लिखकर उसको सुधार किया और बाबा साहेब ने धम्म का भगवान बुद्ध के धम्म का के प्राइमरी स्कूल में आपका नाम दर्ज कर रहा है। जैसे हम ज्ञान प्राप्ति के लिए स्कूल में जाते हैं तो हम सर्वप्रथम अपना नाम प्राइमरी स्कूल में दर्ज कराते हैं, बिना प्राइमरी पास किए हमें मिडिल स्कूल में जाने की आज्ञा नहीं है, अनुमति नहीं होती। मिडिल पास के बगैर हाई स्कूल, हाई स्कूल के बगैर हायर सेकेंडरी, उसके बगैर ग्रेजुएशन, बिना ग्रेजुएशन के हम पोस्ट ग्रेजुएशन, डिफिल, एम फिल या पी एच डी नहीं करते। ठीक वैसे ही भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्राइमरी स्कूल में बाबा साहेब ने आपका नाम दर्ज कराया। अब आप स्वयं सोचिए क्या हमने भगवान बुद्ध के प्राइमरी स्कूल को पास किया? क्या हमने उनका प्राइमरी स्कूल क्या है? त्रिशरण पंचशील। आज हम त्रिशरण को बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, पर ये अर्थ नहीं है। आप पुराने त्रिपुट को उठाइए, मेरा दोनों त्रिपुट पुराने और नए संस्कृत के भी, इनका अध्ययन कर मैं देखा और बाबा साहेब ने दीक्षा देकर एक छोटी सी पुस्तिका निकाली थी जहां पर क्या लिखा है, बुद्धं शरणं गच्छामि मैं बुद्धान्ना अनुसरते। धम्मं शरणं गच्छामि मैं धम्मान्ना अनुसरते, मैं धम्मों का अनुसरण करता हूं या करती हूं, मैं बुद्धों का अनुसरण करता हूं या करती हूं। और फिर संघं शरणं गच्छामि मैं संघाला अनुसरण करते। मराठी जाने वाले समझ गए होंगे बुद्धाना आणि बुद्धाला काय अंतर होतो, संघाला आणि संघालना काय अंतर होतो। अरे मी तेवढा तर विद्वान नाही, फक्त पी एच डी केलेला हो, पण इथे कित्येक तरी लोक असते। आणि और हम क्या स्वयं अपने में सोचो, क्या हमने भगवान बुद्ध के प्राइमरी स्कूल का पास किया है? क्या त्रिशरण का हम पालन करते हैं? क्या हम पंचशील का पालन करते हैं? कि बुद्ध और बाबा साहब की वास्तविक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, आयुष्मान मुस्लिम साहब ने हरे साल बड़ा संयोजन खड़ा है, ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संयोजन है। मैं जबलपुर गया जाता है, भोपाल जाता है,
ऊंचाई जाता है, लेकिन एक मुस्लिम सबका समान इतना बड़ा प्रमाण में धम्म चक्र प्रवर्तन को संयोजन किया कोई दूसरा नहीं, बुद्ध गया में भी नहीं है, सनत में भी नहीं है, केवल नागपुर दीक्षा भूमि, केवल नागपुर महाराष्ट्र, चंद्रपुर केवल महाराष्ट्र, बॉम्बे के चैत्य भूमि महानिर्वाणाधीन, बाकी स्टेट में इतना मोटा काले गुनाम नहीं हो रहा है, मुस्लिम साहब सबसे महान है। पिछले साल तक राजकारण लोग थे, कोई भी राजकारण लोग बुराता है, फायदा नहीं मिला है। अतवरे साहब बोलते थे मैं है, मैं मोदी को, मोदी पंत प्रधान को बोल देता हूं, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान साहब को ये जगह के बारे में बोल देता हूं, कब बोला सुनने में नहीं आया, बोलना भी बहुत मोटा की बात, हरे राजकारण के लोग बोलता है नाटकबाजी करता है, इस बार भी धम्म दीक्षा दिन में पवित्र क्षण में अतवारे सब आया, और गडकरी सब आया, कानून को राजघटन को यदि बदल करेंगे अतवारे उड़ता है, मैं है अटवारी साहब उठता है, मैं है चिंता मत कर, मैं है चिंता मत कर, इससे होती चौदह अक्टूबर धम्म चक्र मेला धम्म सेना 50 बनते नागपुर में है, बाबा सबका पुत्र को हार चढ़ा के अभिवादन करने के लिए गया, बाबा सबके हरे पुत्र में एक 14 अक्टूबर में एक भी हार नहीं दिखा, राजकारण के लोग मोटा की बात बोलता है, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, मैं 14 अक्टूबर बाबा सबके पुत्र नागपुर में
इंदिरा बुद्ध विहार में निवास कर रहा हूं। इंदिरा बुद्ध विहार संघर्ष स्थान है। इंदिरा बस्ती यानी अंबेडकर के मोमेंट में अभी तक जाम ठिक के मरते मरते संघर्ष करने वाला मिठा बस्ती इंदिरा नापुर के इंदिरा है, याद रखो। मेरा नाम नथुलाल मेश्राम है। मैं आर्मी में 69 से 86 जनवरी तक मैंने आर्मी में सर्विस किया। उसके बाद में मैं पेंशन हुआ। पेंशन के बाद में मैं एक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा। 2011 में मैं शिक्षक के रूप में मतलब सेवा देते रहा। उसके बाद में मैं 2011 में ये धार्मिक काम यहाँ हुआ, यहाँ बुद्ध की मूर्ति मिली, उस जगह पर बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर उसी दिन से मतलब यहाँ धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। ये 2011 से 2012 में भंते सुरेश ससैया उन्होंने यहाँ पर ये घोषणा की कि यहाँ की पब्लिक का रुझान देख करके और पब्लिक का ये देख करके कि ये सेकंड दीक्षा भूमि बन गई है। इसके बाद में सतत प्रोग्राम चलते रहा और हमेशा मतलब प्रोग्राम एक से एक ज़्यादा बढ़ करके मतलब पब्लिक आते गए। जिले के ही सम्मिलित नहीं होते, यहाँ महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, सिवनी जिले से, छिंदवाड़ा से, जबलपुर से, भोपाल से तक यहाँ तक पब्लिक आती है। यहाँ पर ये एक बुद्ध भूमि के रूप में मतलब दीक्षा भूमि के रूप में जानी जाती है। दूसरे वर्ष में सुरेश ससाई जी आए थे। हाँ, उन्होंने घोषणा किया था कि ये बुद्ध ये सेकंड दीक्षा भूमि बन गई करके। फिर बाद में फिर वो अस्थि आई। अस्थियों के टाइम पर तो यहाँ कम से कम 1.5 लाख 2 लाख के कम से कम पब्लिक थी। उसमें छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, भोपाल तक के मतलब पब्लिक आई थी यहाँ देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अस्थियों के। उसके बाद में मतलब रामदास आठवले आया। रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इन्होंने यहाँ पर भी उन्होंने पब्लिक का रुझान देख करके बोला है कि ये सेकंड दीक्षा भूमि बन गई है। मैंने ऐसा हिंदुस्तान में गांव देहात में ये पहली बार देखा हूँ और ये मेरे को ऐसा माहौल लग रहा है कि ये सेकंड दीक्षा भूमि बन गई है और मैं इसके लिए सतत प्रयास करूँगा। और उन्होंने आवेदन को शिवराज सिंह चौहान तक भिजवाया। शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने पर्सनल भी बात किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। उन्होंने बोला है कि ठीक है, पर अभी तक उसका कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और उसके बाद में मतलब अभी ये 7वां वर्ष है, ये अभी पुनः अभी आया है। पिछले 2016 में केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले आए थे, उस टाइम पर भी मतलब 1.5 लाख की कम से कम पब्लिक थी। युवाओं के लिए एक औद्यमिक मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, उनमें कई प्रकार के टेक्निकल कार्य दिए जाएंगे उनके, ताकि वो भविष्य में वो अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि आजकल तो शासकीय सर्विस मतलब पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे उद्यमी मतलब कार्य यहाँ पर नए नए टेक्नोलॉजी के अनुसार कार्य किया जाए, ताकि वो अपना मतलब रोजी रोटी ठीक ढंग से कमा सके। यहाँ पर प्राइमरी में से लेकर के स्नातकोत्तर तक एजुकेशन दिया जाएगा। उसमें पाली से लेकर के इंग्लिश है, जापान है, थाईलैंड की भाषा, इन भाषाओं का मतलब यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा, ताकि वो एक्स्ट्रा स्टैंडिंग स्टूडेंट निकल सके। ये मेरी कल्पना है। मेरा नाम विजय कुमार गढ़पाल है। मैं इस ग्राम उमरी का रहने वाला हूँ। समिति का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। इस कार्यक्रम को करने के पीछे जो हमारी समिति का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र है, यहाँ पर बुद्ध धम्म से संबंधित कोई एक अच्छा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नहीं है, तो हम इस स्थान को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के हम सन 2011 से लगातार प्रतिवर्ष धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का कार्यक्रम पूर्ण उत्साह के साथ मनाते हैं और इसमें देश विदेश से धम्म गुरु आते हैं, हमारे वक्ता आते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में वर्ष 2015 में श्रीलंका से भारत प्रवास पर लाई गई तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों का यहाँ पर दर्शनार्थ लाया गया
और करीब लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने उसका दर्शन किया और धम्म लाभ लिया। नहीं, वो हमसे नहीं, हमारा एक मैगजीन निकला था धम्म संदेश करके, वो करीब 2-3 वर्षों तक चला, उसको इसी ग्राम उमरी के डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल हैं जी। किस क्षेत्र से आए आप, नाम के साथ, तहसील के साथ बता पाएंगे? बिल्कुल सर, यहाँ पर जो आए हुए हैं तो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ रायपुर से आए हुए हैं, भिलाई से आए हुए हैं, रायगढ़ से आए हुए हैं, पड़ोसी जिले हैं हमारे जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, महाराष्ट्र में तुमसर से आए हुए हैं, प्रॉपर नागपुर से आए हुए हैं, अन्य अन्य जगहों से, और पूरे बालाघाट जिले से विभिन्न जो तहसील है यहाँ की, लालबर्रा है, बैयर है, किरनापुर है, लांजी है, वारा सिवनी, रामपायली, जो 7-8 तहसील हैं सभी से हमारे यहाँ पर बौद्ध अनुयायी आए हुए हैं। मेरा नाम माधवराव खोबरागड़े, ग्राम परसवाड़ा घाट का निवासी हूँ मैं, और मैं इस उमरी बुद्ध भूमि से एक सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ हूँ और सतत NL मेसराम जी से साथ में काम करता हूँ मैं। और हम यहाँ पर उमरी के बुद्ध भूमि में सामाजिक उद्यमिता विकास समिति की ओर से इसमें भविष्य में हम यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे और उसमें वृद्धाश्रम भी रहेगा और तमाम जो यहाँ पर उद्योग के रूप में बच्चों को, महिलाओं को यहाँ पर कुटीर उद्योग के मान से सिलाई है, कटाई में कढ़ाई है, ये तमाम जो प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, यह उम्मीद के रूप में हम इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। और सरकार से मांग करते हैं कि हमें ये ज़मीन दे दे तो हम इसमें और भी अच्छे छोटा छोटे उद्योग लोगों को प्रशिक्षण दे करके जिसके जीवन में रोजी रोटी कमाए और अपने जीवन को सफल बनाए। मैं राजेश कुमार मेश्राम, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कटंगी में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मेरा ग्राम सेलवा है, कटंगी से 4 किलोमीटर, लेकिन उमरी में जो ग्रामीण उद्यमिता विकास समिति के बैनर तले, उनके तत्वाधान में ये जो पिछले 7 सालों से कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि बुद्ध और बाबा साहब की वास्तविक विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना, न सिर्फ केवल एक समाज तक पहुँचाने की आवश्यकता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य, बल्कि सभी समाज के लोगों तक बुद्ध और बाबा साहब का संदेश पहुंचाना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इसके पहले भी आज से 2 साल पहले जब श्रीलंका से तथागत बुद्ध की अस्थियां यहां पर आई थी, ये सौभाग्य का विषय था कि बालाघाट जिला उसका साक्षी बना कि जहां पर बुद्ध की अस्थियां यहां पर लाई गई थी, बालाघाट जिला नहीं अपितु पूरा मध्य प्रदेश इस बात का साक्षी बना और गौरवान्वित हुआ। उस कार्यक्रम में लगभग, मुझे याद है कि उस समय गौरव तिवारी साहब यहाँ के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, उनके सहयोग से उस समय का, आज से 2 साल पहले का अस्थि कलश कार्यक्रम, जिसमें लगभग 1,36,000 लोग इस विशाल 10 से 12 एकड़ के इस पंडाल में यहाँ पर आए थे, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं। उसका एक कारण ये है कि बुद्ध के सिद्धांत और बाबा साहब के सिद्धांत शांति स्वरूप और शांति का पैगाम देने वाले सिद्धांत होते हैं और उसी तारतम्य में लोग बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। सारे समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसमें यहाँ से एक प्रेरणा लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंच पर ऐसे पहुँचे हुए श्रीलंका, थाईलैंड, जापान से आए हुए बौद्ध भिक्षु यहाँ के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता का पद का निर्वहन करते हैं और उनसे बहुत सारी प्रेरणा रूपी बातें सीख कर जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य है बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को, उनके सिद्धांतों को आम जनता तक पहुँचाना। और इस कार्यक्रम में केवल बौद्धिस्ट शामिल नहीं होते, बल्कि कटंगी और बालाघाट जिले के अन्य संप्रदाय और समुदाय के लोग भी यहाँ पर आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सहयोग करते हैं। यहाँ जो प्रोग्राम आज का आयोजित हुआ, इस प्रोग्राम में सिवनी जिला, जबलपुर, बालाघाट, महाराष्ट्र से, और मैं ओवरऑल ये बोलूं कि महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों से और छत्तीसगढ़ से भी आज के इस कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। आज के कार्यक्रम में लगभग, मेरा मानना है कि लगभग 25,000 से 30,000 के लगभग आज के कार्यक्रम में संख्या लोगों की अनुमानित, मतलब यहाँ पर रही है।